एक छोटे से जंगल में कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले उसकी शादी शहर की एक चिड़िया टुनटुनी से होती है। शादी से पहले टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति और ससुराल को लेकर कई सपने देखे थे, पर ससुराल आते ही टुनटुनी चिड़िया के सारे सपने बिखर गए। शादी के अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया की सास उसके पास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जा जाकर किचन में कुछ मीठा बना ले, तब तक मैं और कालू तैयार होकर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है, गैस स्टोव तो है ही नहीं। मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना आता ही नहीं। ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ बहू, तूने इतनी जल्दी मीठा बना लिया? नहीं माँ जी, अभी कहाँ कुछ बनाया है। तो फिर चिल्ला क्यों रही हो? वो माँ जी, यहाँ गैस का चूल्हा तो है ही नहीं, मिट्टी का चूल्हा है। तो क्या हुआ बहू, हमारे घर इसी चूल्हे पर भोजन बनता है, तू इसे जला और जल्दी से कुछ मीठा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझसे इस मिट्टी के चूल्हे पर कुछ भी नहीं बनने वाला। ऐसा करिए, आप एक गैस का चूल्हा खरीद कर मंगवा दीजिए, फिर मैं उस पर रसगुल्ले बना दूंगी। देखो बहू, ये गांव है, यहाँ सभी के घरों में मिट्टी के चूल्हे पर ही भोजन बनता है, अब मैं तेरे लिए नियम तो नहीं बदल सकती। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के चूल्हे पर रसगुल्ले बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बना लिए, खाकर बताइए ये कैसे बने हैं, फिर मैं कालू जी को भी देख कर आऊँ। सुंदरी कौवी रसगुल्ले को खाने लगती है। बहू, रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है ना, इसलिए तुझे परेशानी हुई है। धीरे धीरे टुनटुनी मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना सीख जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी मिट्टी से चूल्हे बना रही थी। टुनटुनी बहू, आ मैं तुझे मिट्टी के चूल्हे बनाना सिखाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से मिट्टी के चूल्हे बनाना सीखने लगती है। माँ जी, आप तो मिट्टी के बहुत सुंदर चूल्हे बनाती है। आपको पता है, हमारे शहर में मिट्टी के चूल्हे बेचने दूर दूर गांव से पक्षी आते हैं। कुछ ही दिनों में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और घर घर में से मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाकर पक्षी अपनी अपनी देवता को चढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, क्यों ना इस बार हम लोग भी मिट्टी का चूल्हा बनाकर शहर के जंगल में बेचें। वैसे भी पूरा दिन हम घर में खाली बैठे रहते हैं। बहू, तेरे बात में तो दम है, अगर हमें ऊपरी कमाई हो जाती है तो घर चलाने में कालू की भी मदद हो जाएगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर मिट्टी के बहुत सारे सुंदर सुंदर चूल्हे बनाती हैं और उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाकर शहर के जंगल में बेचने के लिए ले जाती हैं। चूल्हे ले लो चूल्हे, मिट्टी के सुंदर टिकाऊ चूल्हे, चूल्हे ले लो चूल्हे। तभी टूनी चिड़िया उनके पास आती है। बहन, एक कितने में दे रही हो? अगर तुम्हारे दाम सही हुए तो मैं तुमसे दो चूल्हे खरीदूंगी। वैसे यहाँ सभी पक्षी 100 रुपए में चूल्हा बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100 रुपए में दो चूल्हे दे दूंगी। ठीक है, मुझे दो चूल्हे दे दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी के बनाए हुए मिट्टी के चूल्हे कुछ ही घंटों में सारे बिक जाते हैं। देखा माँ जी, हमारे बनाए हुए मिट्टी के चूल्हे सबसे पहले बिक गए। लेकिन बहू, हमने चूल्हे के दाम बहुत कम रखे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसे जैसे हमारे ग्राहक बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चूल्हे के दाम थोड़े थोड़े बढ़ा देंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है बहू, अब जल्दी घर चल, हमें कल बेचने के लिए मिट्टी के चूल्हे भी बनाने हैं। फिर दोनों सास बहू घर जाती है और मिट्टी के चूल्हे बनाने में लग जाती है। इस तरह मिट्टी के चूल्हे बेच कर दोनों सास बहू बहुत खुश होती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी अपनी सास को क्या बनाकर खिलाती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सिस्टम बुझाला ना बुझाला हमारे एक फोन जाइनू कल से सिक्योरिटी मांग रहे फिर काटा लेके घूमे।